हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। बॉटनी के विषय में लास्ट वीडियो में या लास्ट टॉपिक में हमने बॉटनी के पेपर फर्स्ट, ठीक है, डाइवर्सिटी इन माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स के सिलेबस की चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे पढ़ते हुए आज एलजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके कोचिंग यूनिट में बताई थी मैंने, यूनिट नंबर 7। ठीक है, एलजी क्या है, एलजी के शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई, एलजी क्या होते हैं, एलजी के सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक वह है जनरल कैरेक्टर ऑफ एलजी, अर्थात शैवालों के सामान्य लक्षण। ठीक है, पहला आज का टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक आपका बीएससी फर्स्ट स्टूडेंट होगा, वह है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एलजी, शैवालों के सामान्य लक्षण। शैवाल क्या होते हैं, इनको जानने से पहले हमको शैवाल शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि शैवाल शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो ये सबसे पहले बात करें कि जो एलजी वर्ड है, जो एलजी वर्ड है वह सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया, किसने दिया, तो वह दिया था लीनियस ने। किसने दिया, लीनियस ने 1753 में एलजी शब्द का उत्पन्न किया। इसके पश्चात देखें कि जो एलजी शब्द है, ठीक है, एलजी शब्द एक लैटिन वर्ड, एल्गा से व्युत्पन्न माना जाता है। किससे व्युत्पन्न माना जाता है, एल्गा से व्युत्पन्न माना जाता है, यानी लैटिन वर्ड एल्गा से। ठीक है, किस शब्द की उत्पत्ति होती है, एल्गी शब्द की उत्पत्ति होती है। एल्गा का जो सामान्य अर्थ है वह होता है समुद्री खरपतवार। क्या है, समुद्री खरपतवार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, सी बीज। समुद्री खरपतवार को भी क्या कहा जाता है, एलगी या शैवाल कहते हैं। एलगी के बारे में बताते हैं कि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो वह शाखा है एल्गोलॉजी। क्या है, एल्गोलॉजी। तथा इसके जो दूसरा नाम है, सिनोनिम्स है, वह है फाइकोलॉजी। क्या है, फाइकोलॉजी। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन किस नाम से आता है, फाइकोलॉजी के नाम से छोटा क्वेश्चन आता है कि फाइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं हम, फाइटोलॉजी कहते हैं। अर्थात जिस स्टडी ऑफ एलगी किस शाखा के अंतर्गत की जाती है, फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसकी कि जो एलगी के जनक है वो किसे माना जाता है। ठीक है, तो फाइटोलॉजी, एलगी या फाइटोलॉजी कुछ भी देखे हम, फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो है वो किसे माना जाता है, ई फ्रिस्को। किसको माना जाता है, ई फ्रिस्को फादर ऑफ फाइकोलॉजी माना जाता है। दूसरी बात देखिए कि फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी वह किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है मिस्टर डेविड हेनरी हार्वे। कौन, डेविड हेनरी हार्वे को फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी माना जाता है। नेक्स्ट देखें कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी वह किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है मिस्टर एमओपी आयंगर को
फादर ऑफ इंडिया इंडियन फाइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इसके शब्दार्थ की बात हो गई हमारी इसके एलगी से संबंधित। एलगी शब्द किसने दिया सर्वप्रथम? लिनियस ने। एलगी शब्द किससे उत्पन्न माना जाता है? लैटिन वर्ड एल्गा से उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? सी लीव्स या समुद्री खरपतवार। एल्गोलॉजी या फाइटोलॉजी किसे कहते हैं? कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ फाइटोलॉजी शैवाल विज्ञान के जनक माना जाता है, इसको फादर ऑफ मॉडर्न फाइटोलॉजी आधुनिक शैवाल विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? डेविड हेनरी आगे। फादर ऑफ इंडियन फाइटोलॉजी भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? एमओबी आयंगर को माना जाता है। तो ये कुछ इससे शब्द से संबंधित जानकारी है। अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, क्या जनरल कैरेक्टर ऑफ एलगी के सामान्य लक्षण वो क्या है? एलगी की शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। उस प्रकार की शारीरिक संरचना को क्या कहते हैं? हम कैलस कहते हैं।
जितने भी एल्गी होते हैं वो मोस्टली फेनस कहलाते हैं, एक कोशिके में बहुकोशिके भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो एल्गी होते हैं, ठीक है, शैवाल जो होते हैं मुख्य रूप से कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अर्थात श्वेतकोशी होते हैं। अब श्वेतकोशी का मतलब क्या है? कि श्वेतकोशी किसे कहते हैं? जो वो अपना भोजन से बना सकते हैं। अब जो भोजन बनने की प्रक्रिया है उसके द्वारा होती है क्लोरोफिल। इसके द्वारा होती है क्लोरोफिल के द्वारा होती है, अर्थात एल्गी में क्या उपस्थित होते हैं? क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि एल्गी का जो थैलस होता है वो कैसा होता है। एल्गी का जो थैलस स्ट्रक्चर है उसमें क्या पाई जाती है? डायवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, यानी इनकी शारीरिक संरचना अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं? गतिशील तंतुनुमा हो सकते हैं। कैसे? तंतुनुमा हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, वर्तुलाकार प्रकार के पाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी इनकी जो शेप और साइज है वह कैसी पाई जा सकती है? अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इनके थैलस की नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर हमने एक बड़ा कोशिका संरचना के बारे में पाई, इनकी जो सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो बात होगी किस किस के थैलस के बारे में, प्लांट बॉडी के बारे में। तो दोबारा से देख लें कि जो इसका आवास स्वभाव वो कैसा होता है? जल्दी आवास में पाए जा सकते हैं, लवणीय लवणीय में लवणीय जल में पाए जाते हैं। मोस्टली अधिकांश शांत जल जैसे पोखर जलकुंड तालाब आदि स्थान पर वृद्धि करते हैं। ये एल्गी एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जब ये एक कोशिकीय होते हैं एक कोशिकीय शब्द के लिए एक कोशिकीय शैवाल के लिए किस टर्म का उपयोग किया जाता है? थैलस टर्म का उपयोग किया जाता है। अब थैलस किसे कहते हैं? कि शारीरिक संरचना कैसी होती है? शरीर का सामान्य व सरल प्रकार का होता है तथा शरीर जड़ तना में पत्ती में विभेदित नहीं होता। इस प्रकार की संरचना के लिए इसका टर्म शब्द का उपयोग किया जाता है, थैलस का उपयोग किया जाता है। एल्गी जो होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं? श्वेतकोशी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। इनके शरीर में थैलस स्ट्रक्चर में क्या पाई जाती है? डायवर्सिटी पाई जाती है, फिलामेंटस सर्कुलर अलग अलग आकार में आकृति में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करें इनके थैलस की, एक पर्सनल सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम। सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एक कोशिका के बारे में बात करें, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, एल्गी की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक टाइप। किस प्रकार की होती है? यूकैरियोटिक टाइप के प्रकार की होती है। तथा इसमें कैसा पाया जाता है? केंद्र सुसंगठित केंद्र उपस्थित होता है, गोलिका है केंद्र का, ठीक है, अंतर्विभाजी जालिका, क्लोरोप्लास्ट आदि जो होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि इनकी सेल में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिसके कारण ये ऑटोट्रॉफ्स माने जाते हैं, सेल कोशी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के लिए एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है एल्गी में, जो किसी अन्य जीवों पादपों में नहीं उपस्थित होती है। क्लोरोप्लास्ट की क्या विशेषता होती है एल्गी में? कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? पाइरेनोइड युक्त। कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट? पाइरेनोइड युक्त होता है। अब ये पाइरेनोइड क्या होता है? ठीक है, तो पाइरेनोइड जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाली, ठीक है, वे प्रोटीन युक्त संरचना, वे प्रोटीन युक्त संरचना जिसमें जिसमें स्टार्च जिसमें स्टार्च संचित रहता है, स्टार्च संचित रहता है, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं हम? पाइरेनोइड कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना
क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, पायरेनॉइड जो होते हैं, पायरेनॉइड किसे कहते हैं, वे प्रोटीन युक्त संरचना जिसमें स्टार्च संचित हो, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, पायरेनॉइड कहते हैं, जो कि शैवालों का, ठीक है, इसमें भी एक विशेष वर्ग है क्लोरोपाइसिन, उसका सबसे प्रमुख लक्षण कौन माना जाता है। नेक्स्ट मान माने कि एल्गी की जो सेल है, ठीक है, कोशिका भित्ति है वह किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से निर्मित, इससे निर्मित होगी, सेलुलोज से निर्मित होती है। नेक्स्ट इसकी जो रिजर्व फूड है, ठीक है, जो संचित भोजन है वो किस रूप में संचित होता है, रिजर्व फूड किसमें, वह होता है स्टार्च के रूप में, किसके रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में संचित रहता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ये इसके कोशिकाओं में होती है मुख्य उपस्थित होती है मुख्य लक्षण है, तो ध्यान रखना है प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पायरेनॉइड ग्रुप होते हैं, पायरेनॉइड क्या है, वे प्रोटीन युक्त संरचना जिसमें स्टार्च संचित रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, पायरेनॉइड। इनकी जो कोशिका वृद्धि है वो किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है, तथा संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो ये एल्गी क्या है, कोशिका से संबंधित बातें। नेक्स्ट देखें हम कि इनमें जनन किस प्रकार का पाया जाता है, कौन कौन सी विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो इनमें रिप्रोडक्शन मेथड देखते हैं हम, रिप्रोडक्शन के बारे में एल्गी में जनन किस प्रकार का होता है। तो एल्गी में तीन प्रकार का जनन पाया जाता है, कितने प्रकार का जनन, तीन प्रकार का जनन उपस्थित होता है। ठीक है, पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं हम कायिक जनन, कायिक जनन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तीसरे प्रकार का जनन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इस प्रकार से तीन प्रकार का जनन किसमें पाया जाता है, एल्गीज में उपस्थित होता है। कायिक जनन जो होता है उसमें कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, एक तो होता है कायिक जनन इसमें विखंडन विधि द्वारा, इसके द्वारा विखंडन द्वारा, अर्थात इसका कोई भी थैल जो होता है वह कई खंडों में टूट जाता है और एक प्रत्येक खंड अंकुरित होकर नया थैल बना देता है। नेक्स्ट विभाजन द्वारा, विभाजन द्वारा, ठीक है, कंद द्वारा, कंद या प्रकंद द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट एकाइनेस द्वारा, इसके द्वारा एकाइनेस द्वारा, ये एक विशिष्ट प्रकार की संरचना है जो कुछ एक कारक एल्गी में क्या होती है, निर्मित होती है। इन विधियों के द्वारा क्या होता है, एल्गी में कायिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन जो होता है एल्गी में वो किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा, किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है। इन एल्गी में अलग अलग एल्गी में अलग अलग प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं, जैसे जू स्पोर, ठीक है, एप्लानो स्पोर, एप्लानो स्पोर, स्टेटो स्पोर, स्टेटो स्पोर, ठीक है, आदि स्पोर आदि प्रकार के बीजाणु में निर्मित होते हैं जिनके द्वारा एल्गी जनन कंप्लीट होता है। लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें एल्गी में तीन प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, एक तो होता है आइसोगैमस, ठीक है, कौन से प्रकार का, आइसोगैमस है। दूसरे प्रकार का होता है एनाइसोगैमस, एन आइसोगैमस, तथा तीसरे प्रकार का जो होता है वह होता है गैमस टाइप का लैंगिक जनन पाया जाता है। अधिकांश एल्गी में कौन से प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, गैमस टाइप का लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है,
बात करें इनकी एलजीस के सामान्य लक्षणों में जन्म के पश्चात बात करें तो इनके जन्म की क्या विशेषताएं होती है कि जन्म के पश्चात युग्मक निर्माण के पश्चात इनमें जाइगोट का निर्माण तो होता है, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन जाइगोट के पश्चात एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, भ्रूण का डेवलपमेंट नहीं होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। तथा नेक्स्ट बात करें एलजीस में तो इनके की बात करें जाइगोट जाइगोट फॉर्मेशन के पश्चात इनका जो जीवन चक्र लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में दो पीढ़ियां पाई जाती हैं या दो अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। ये दोनों अवस्थाएं कौन सी होती है? पहली अवस्था तो होती है इसकी स्पोरोफिटिक या गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक फेज, तथा दूसरी जो फेज होती है वह होती है स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है, युग्मक उद्भिद अवस्था, और दूसरी होती है बीजाणुद्भिद अवस्था। यह दोनों अवस्थाएं एलजीस में कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती है। इन दोनों अवस्थाओं में ही इनका पूरा जीवन चक्र चलता रहता है। तो ये है क्या हमारे आज एलजीस के सामान्य लक्षण, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एलजीस को आगे कंटिन्यू करते हुए आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है क्लोरोपाइसी वर्ग, ठीक है, उसके सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।